जो आज आपको बताएंगे फरवरी मार्च में ककड़ी की खेती कैसे करें और ककड़ी से कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये इसका बीज कैसे मिलेगा और कौन सा बीज लगाना चाहिए और इससे मुनाफा कितना आएगा, ये सब बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि ककड़ी लगाने का समय बहुत अच्छा अभी ही है। अब अगर ककड़ी लगाना चाहते हैं तो इसका बीज बहुत सारे कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ककड़ी लगाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको ककड़ी का खेती करना होगा और ककड़ी का एक एकड़ खेती में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसका ककड़ी के बीजों का बुआई समतल भूमि या मेड़ बनाकर किया जाता है। बुआई का कार्य पहले तैयार खेत में नाली बनाना होता है और मिट्टी में नमी में बुआई का शुरू किया जाता है और नमी में मिट्टी से ककड़ी का बीजों का अंकुरण विकास अच्छा हो जाता है और फरवरी मार्च तक ये ककड़ी आराम से बो दिया जाता है। 3 मार्च से आराम से अभी जो आप लगाइएगा वो पहले ककड़ी का बुआई हो जाएगा, क्योंकि पहली ककड़ी का बुआई अभी जो होगा इसका ज़्यादा रेट भी मिलेगा, क्योंकि शुरू शुरू में ककड़ी तो कम रहता है, खीरा भी नहीं रहता है। कुछ लोग खीरा के यूज में इसका भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ककड़ी से मुनाफा डबल हो जाता है। ये ककड़ी कद्दू वर्गीय फसल होता है, खीरे के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है और ककड़ी को राइट भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है जरूर कमेंट करके बताएं। गर्मियों के मौसम में ककड़ी का सेवन अधिक किया जाता है। जैसे ही हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम चरम पर पहुँच जाते हैं तो अच्छी कमाई भी हो जाती है ककड़ी से किसान भाइयों को, और वैज्ञानिक विधि से आप इसका खेती कर सकते हैं और इसका बहुत सारा ककड़ी लगा के और आमदनी भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ककड़ी तो ऐसे सभी जलवायु में उपयुक्त होता है। आप ये ठंड जलवायु का फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यह गर्मी का फसल है और इसे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में विकसित होने में बहुत आराम हो जाता है। और इसका मौसम अभी ही आराम से आप लगा सकते हैं, अभी 20 से ऊपर सेल्सियस का तापमान चल गया है और 20 से कम जैसे ही जाएगा तो ये लगाना उतना उचित नहीं रहता है, इसलिए आप ज़रूर इसे लगाएं। दूसरे नंबर की बात करें तो ककड़ी की खेती के लिए भारत के सभी प्रकार की मिट्टी के सफलतापूर्वक की जाती है। जाहिर हो कि खेती के उपजाऊ प्रकार की मिट्टी आसानी से की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए कार्बनिक युक्त बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में आराम से इसका कर दिया जाता है। ककड़ी के खेती के लिए 6.5 से 7.5 पीएच मान तक आपकी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसके खेत की तैयारी की बात करें तो ककड़ी के खेती के अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत की अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। खेत में अच्छी तरह तैयार करने के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद सभी प्रकार के घास फूस को नष्ट कर देना चाहिए और खेत के मिट्टी पलटने से हलों की जुताई कर देनी चाहिए। जुताई के बाद आपको इसमें पानी चलाकर पलावे दे दें, मतलब पानी ये होता है नमी बना रहता है, और खेत में रोटावेटर चलाकर खेत की जुताई मिट्टी को भुरभुरी कर दें। और ककड़ी के बीजों के बुवाई के लिए समतल भूमि पर मेड़ बनाकर भी की जा सकती है, ऐसे भी कर लीजिए तो वो भी होता है, नाली विधि द्वारा भी की जाती है। नमी बुवाई कार्य शुरू करने से बीजों का अंकुरण सबसे ज़्यादा होता है। और उन्नत किस्म का बात करें तो बहुत सारे हाइब्रिड किस्म है, जिसमें पंत, शंकर, खीरा हाइब्रिड 2 आदि प्रमुख है, और ऐसे BNR और बहुत सारे कंपनी जो बना रही है, हम जितना का लाइन से फोटो दे रहे हैं उसका लिख लीजिएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। और बीज के मात्रा बुआई अधिक करने का विधि, आप रोपाई के पौधे को दोनों प्रकार के तरीके से आप रोप सकते हैं, मतलब पौधे लेके भी और बीज से भी आपको 2-3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज लगेगा। और बीमारियों के बात करें तो बेनलेट, बीबेस्टिन, इसमें 2.5 ग्राम आपको प्रति किलो के हिसाब से आप बीज उपचार कर सकते हैं। और ककड़ी का रोपाई से 20 से 25 दिन पूर्व नर्सरी तैयार कर लेना चाहिए, मतलब अभी नर्सरी आप तैयार कर लीजिए। अगर रोपाई करना चाहते हैं तो रोपाई भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदने आप सकते हैं तो खरीद लीजिए। और इसको 1.5 से 2 मीटर के अंतर पे 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना के और इसके कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 सेंटीमीटर होना 2 मीटर होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली होना चाहिए। नाली के दोनों किनारों पे 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बीज की बुआई करनी चाहिए और 2-3 बीज एक जगह रखें, जिससे जन्मने में बहुत आसान होगा। और जिग जग लाइन से करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लगता है बीज, लेकिन फलने में बहुत आसानी होता है। और ककड़ी के बीज बोने के 1 महीने बाद खेत तैयार करने के लिए कंपोस्ट गोबर की सारी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको ककड़ी की खेती के उपज मिट्टी अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और रासायनिक खाद 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास,
प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए, और इतना जो होता है इस 80 किलोग्राम का आधा भाग नाइट्रोजन आपको रख लेना चाहिए, मतलब 40 केजी, 60 किलोग्राम फास्फोरस का आधा भाग 30 केजी रख लेना चाहिए, और पोटास भी 30 केजी आपको रख लेना चाहिए, और उसका आधा प्रयोग 25 दिन बाद और आधा प्रयोग 35 दिन बाद करना चाहिए, और आधा जो होता है मतलब पूरा का आधा वो तभी ही डाल देना चाहिए। यूरिया, अगर आप यूरिया छींटने का सोच रहे हैं तो यूरिया 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छींट सकते हैं, उससे ये होता है जो इसका बहुत अच्छा होता है। निराई गुराई आपको खरपतवार निकाल के करना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि 2-3 निराई गुराई आवश्यक होता है, और इसमें फल मक्खी का रोकथाम के लिए आपको जो भी दवा हो वो आप डाल सकते हैं। बरूद ही लगता है, लाल भृंग लग जाता है, और बहुत सारे मुरझाना इसका तुराई और पैदावार 60 से 70 दिन बाद इसका तुराई होता है, और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 200 से 300 कुंटल आपको हेक्टेयर में उपज हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ककड़ी के लिए आपके लिए लाभकारी है, और ये आपको 10 रुपये केजी के हिसाब से आराम से बिक जाता है, तो उससे हिसाब आप लगा लीजिए। और इसमें आपको हेक्टेयर में वही आप चाहिए तो 50,000 प्रति हेक्टेयर के दर से आपको खेती में लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और अभी तक अगर मेरे वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसा ही मैं वीडियो बार बार लाता रहता हूँ।